गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गदराना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली आईडी को लेकर। एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों, अपडेट क्या है ये जानने के लिए सबसे पहले नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हो, परिवार पहचान पत्र से जुड़ेगा जाति प्रमाण पत्र, नंबरदार व पटवारी के नहीं काटने होंगे चक्कर, सरल पोर्टल पर करना होगा आवेदन, ऑनलाइन ही मिल जाएगा आपको प्रमाण पत्र। क्रीमी लेयर वालों का 31 मार्च तक मान्य होगा प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र बनाते वक्त आमदन भी देखी जाएगी। आमदन वही मान्य होगी जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज होगी। आमदन इसलिए देखी जाएगी कि कोई यदि कोई क्रीमी लेयर में आता है तो उसका सर्टिफिकेट हर साल की 31 मार्च तक मान्य होगा। 31 मार्च को उसका जाति प्रमाण पत्र अमान्य हो जाएगा। वह सरकार योजनाओं का फायदा नहीं ले पाएगा जो क्रीमी लेयर में आता है। नहीं आता है उसका प्रमाण पत्र जीवन भर के लिए मान्य होगा। प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र को पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है दोस्तों। अब तहसीलदार नहीं बल्कि EDC जय प्रमाण पत्र जारी करेंगे। आवेदनकर्ता की वेरिफिकेशन किस सत्र पर अधिकारी करेगा? जय सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट SOP जारी करेगा। हालांकि कर्मचारी व उसके बच्चों के सर्टिफिकेट के लिए डेटा कर्मचारी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से वेरीफाई कर लिया जाएगा। आम लोगों को अब जाति प्रमाण पत्र के लिए न तो नंबरदार व पटवारी और न ही तहसीलदार के चक्कर काटने पड़ेंगे। सिर्फ अपने परिवार पहचान पत्र नंबर के जरिए सरल पोर्टल पर आवेदन करेगा और उनसे ऑनलाइन ही उसे जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।